केंद्र सरकार के कार्यक्रम कितने धरातल पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर दिशा की बैठक आयोजित की गई। जिन विभागों ने अच्छा काम किया है उन्हें प्रोत्साहन किया गया और जहां कमियां रही हैं उन्हें दूर करने की बात कही गई है, जिससे संबंधित विभागों के टारगेट्स अचीव हो सकें। ये बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कही। अनुराग ने कहा कि उन्होंने जिला कांगड़ा व चंबा को टीबी, एचआईवी, एड्स और कुष्ठ रोग मुक्त बनाने तथा कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जमीन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और अधिकारी ऐसी योजनाओं को लेकर धरातल पर जाएं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक इशू हमारे सामने है, इसको लेकर दुनिया भर के देशों में भी इम्पैक्ट हो रहा है। सीयू के मुद्दे पर अनुराग ने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने इस विषय पर विस्तार से बात रखी है। सीयू को लेकर प्रदेश सरकार ने जो जमीन चिन्हित की है जंद्रांगल में, उसका विजिट सांसद किशन कपूर ने करवाया है। केंद्र की टीम यहां आई थी, केंद्रीय टीम ने जो ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार व अधिकारी उस पर काम करेंगे। सीयू के देहरा की जमीन का पैसा वर्ष 2017 में जमा करवा दिया गया था। उस जमीन को विभाग के नाम होने के लिए 3 साल का समय लगा है, जो 3 साल में नहीं हुआ वो हमने 3-4 माह में कर दिया। केंद्र से यूजर एजेंसी का भी चेंज हो गया है और अब ये सारी स्थिति क्लियर हो गई है। देहरा उपमंडल के अंतर्गत सड़कों की बदहाली पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन मामलों को दिशा की पिछली बैठक में उठाया था और सीएम के प्रवास के दौरान भी इन बातों को उठाया गया था। वडल ठोर में पानी एकत्रित होने की वजह से आना जाना मुश्किल हो जाता था, विभाग ने उस पर उचित कार्रवाई की और जो अमृतसर के ठेकेदार थे उन्हें 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जहां पर पानी रुकता था वहां 50 लाख रुपए खर्च किए गए और शेष कार्य जो रुका था उसे शुरू किया गया है। वहीं दूसरे जो ठेकेदार थे उन्हें 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और काम तेजी से करने को कहा गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियां दी हैं। मनरेगा में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 30 करोड़ रुपए खर्च होते थे, निचले स्तर पर धांधली होती थी, काम करने वालों को पैसा नहीं मिल पाता था। मोदी सरकार ने मनरेगा कार्यों की जियो टैगिंग की है और हर मनरेगा वर्कर के खाते में सीधा पैसा आता है। मनरेगा का बजट भी 30,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष में 73 करोड़ रुपए किया गया है। दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी है। धरातल पर वो कितने पहुंच रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है और अगर कहीं पर कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए इस मीटिंग को किया जाता है और हर 3 महीने पर इस मीटिंग को करना होता है। पिछली बार मैं वर्चुअली जुड़ा था, ऑनलाइन था, लेकिन इस बार फिजिकली आकर हमने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की और कुछ क्षेत्र जो मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का जिला कांगड़ा में पड़ता है उसको लेकर विस्तार में बैठक की। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली और इसमें जिन विभागों ने अच्छा काम किया उनको प्रोत्साहन भी किया है, जहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको कहा कि दूर करें ताकि आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। मैंने एक ये भी अनुरोध किया है कि जिला कांगड़ा को टीबी मुक्त बनाने के लिए, जिला कांगड़ा चंबा को टीबी मुक्त बनाने के लिए, कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए, एचआईवी एड्स मुक्त बनाने के लिए और कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जमीन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पंचायतों को इन्वॉल्व करना चाहिए, पंचायत के सदस्यों को इन्वॉल्व करना चाहिए और अधिकारी इन कार्यक्रमों को लेकर धरातल पर जाए ताकि समाज में हम एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकें। देखिए वो है एक इशू अपने सामने और उसको लेकर जो दुनिया भर के देश हैं उनमें भी इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए उन्होंने भी आज बड़े विस्तार में इस पर बात की। कुल मिलाकर जो जमीन देनी है वो राज्य की सरकार ने जहाँ पे चिन्हित की है उसको लेकर जंद्रांगल को एक विजिट जो उन्होंने करानी थी माननीय स्थानीय सांसद किशन कपूर जी ने वो विजिट भी करवाई, केंद्र की टीम यहाँ पर देखने भी आई थी। उस पर जो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए होंगे जब उनकी डिटेल रिपोर्ट आती है तो उन त्रुटियों को उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य की सरकार या अधिकारी उस पर काम करेंगे। जहां तक देहरा की जमीन की बात थी 2017 में जैसे मैंने कहा कि हमने वहां पे पैसा भी जमा करवा दिया था और 3 साल उसको समय लगा विभाग के नाम पर होने के लिए,
लगभग 3-4 महीने पहले मैंने इस विषय को उठाया था और जो 3 साल मैंने हुआ हमने 3 महीने में उसको कर दिया। केंद्र से यूजर एजेंसी का चेंज भी हो गया है और अब ये सारी स्थिति क्लियर हो गई। सर, देहरा की सड़कों की बुरी हालत।